तो 200, जैसे कि हमने पहले इनिंग में देखा था कि 230 रन इंडिया ने बनाए थे और 231 रन का टारगेट पाकिस्तान को हमने दिया था। सेकंड इनिंग में हमको ये देखने में काफी मजा आएगा मेरे भाइयों कि क्या पाकिस्तान 231 रन चेज कर पाएगी बहुत बड़ा टारगेट। अगर फाइनल जीतना है तो भाई करना तो पड़ेगा, इसलिए मैं इरफान पठान को लिया, क्योंकि यार मैं देखना चाहूंगा इस पिच में थोड़ी सी स्विंग है, अगर स्विंग है तो भाई इरफान पठान भाई ओपी कर देगा इनका। ओपी ओपी पहली बोल है भाई। अरे भाई भाई स्विंग तो नहीं मिली यार, स्विंग तो भाई नहीं मिली, 2 रन जरूर मिल गए इनको यहाँ पे। विकेट चाहिए यार, विकेट विकेट विकेट, स्विंग नहीं हो रही है बिल्कुल भी बोल यहाँ पे, और निकल गई यार बोल। अबे गैप में निकल गई यार, रोक ले रोक ले रोक ले रोक ले। हाँ चौका मिल गया इनको पहला यार, यही चौके नहीं आने चाहिए भाई, अगर ये बाउंड्री जाए ना यहाँ पे तो भाई दिक्कत में आ जाएंगे हम यार। विकेट दिला दो इरफान पाजी, फिर से कैच 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 कैच, पहुंची नहीं यार उसके पास। सभी बॉलरों से यार एक एक ओवर कराने लग रहा हूँ यार। अरे भाई भाई कैच 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 यार, निकल गई ऊपर से, लेकिन हमारे पास स्कोर बहुत ज्यादा है तो यार घबराने की बात नहीं है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। हफीज यार विकेट दिला दो, हफीज की आ जाए ना एक बार, क्योंकि हफीज ही ज्यादा मेरे को लग रहा है कि ज्यादा खतरनाक लग रहा है थोड़ा। बाकी यार नाजिर तो भाई तरह कुछ अभी फिलहाल कर नहीं रहा है, हफीज की विकेट मिल जानी चाहिए यार हमको, जल्दी से चाहिए वो भी जल्दी। 7 ही रन आया वैसे इस ओवर में, चौका लगने के बाद कुछ उस तरह कुछ आया नहीं। अरे भाई निकल गई। अबे यार यार वाकई में काली जबान हूँ यार मैं, सच्ची में यार मैं जब भी बोलता हूँ ना बाउंड्री नहीं आई है, बहुत अच्छा ओवर गया, हो जाता काम उस ओवर में भाई, हो जाता उस ओवर में, लगते है भाई बाउंड्रीज लगती ही लगती है, लगती ही लगती है बाउंड्रीज उस ओवर में। खैर स्कोर अपने पास काफी है तो घबराने की बात नहीं है फिलहाल के लिए दोस्तों, जीतेंगे इंडिया 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 इंडिया। गया 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 गया, बच गया, स्कोर रुक गया तो लग रहा है कि विकेट आने वाली है। मैं उड़ाया भाई गया तो भाई 6, मुझे लग रहा था वैसे कि मैंने बोला है ना विकेट आने वाली है तो भाई 6 पड़ेगा, लेकिन यार एक बात है कि इतनी कुछ मतलब एक भी विकेट नहीं गिरी है, लेकिन कुछ खास फास्ट बैटिंग नहीं करी। स्कोर देखो 231 बना रहा है और इनका 5 ओवरों में 43 रन है बस इनसे। एक रुक एक मिनट यार, आरपी सिंह को लगा लेते हैं ना, ऐसा करते हैं क्योंकि सबसे एक एक ओवर करा लिया था हमने फास्ट बॉलरों से, तो आरपी सिंह को लगा लेते और फील्डिंग हम कर लेते थोड़ी सी चेंज अभी, और इसको ले लेते हम यहाँ। यार स्लिप का कोई फायदा हो नहीं रहा है, खामा खा लगा के बैठा हूँ यार मैं, खामा का स्लिप लगा के बैठा हूँ भाई, खामा खा ले ले। ओ कैच 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 कैच, मैं यार पहली पे ही चौका, पहली बॉल पे ही 4 रन, फील्ड जैसे चेंज करी पहली बॉल पे भाई, अब लगता है मुझे ये लोग चार्ज करने वाले हैं, मुझे फीलिंग आ रही है। पाजी विकेट दिलाएंगे भाई, अब पाजी दिलाएंगे विकेट अब हमको, और लो भाई पाजी ने चौका जरूर दिला दिया। और भाई अब लग रहा है कि बैटिंग दोनों तरफ से, दोनों बैट्समैन जो है ना, ये नाजिर और हफीज भाई, ये दोनों अब दोनों भाई सेट हो गए अब भाई, क्योंकि देख लो 58 रन है 6.2 ओवर्स में। फील्ड थोड़ी अब चेंज कर लेते हैं, मैं भूल गया यार पावर प्ले के बाद फील्ड चेंज करनी भूल गया मैं, क्योंकि बैटिंग इतनी खतरनाक हो रही है भाई अब। और हाँ इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ यहाँ पे, और एक फिल्टर मुझे चाहिए भाई पीछे बिल्कुल यहाँ, बस अब आ जा, अब तू मार के दिखा, अब तू शॉट मार के दिखा मुझे। हाँ सिंगल तो चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बाउंड्री मार के दिखा, एक बार मार के दिखाओ बाउंड्री अब पाजी, अब विकेट दिला दो, मुझे कुछ नहीं पता है पाजी, विकेट दिला दो प्लीज पाजी, पाजी विकेट यार। वैसे यार पाजी का ओवर अच्छा रहा है, 5 रन दिया 5 बोलों में, चौका जो रहा था लेकिन उसके बाद बढ़िया रहा है सब कुछ। और भाई अभी रन हुआ है भाई, बिल्कुल विकेट के सामने भाई, आउट है, निकल निकल नाजिर निकल निकल भाई तू निकल 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 फटाफट निकल, ले ले रिव्यू भाई, बीच का बीच की जो होती है ना, बीच का स्टंप जो होता है भाई वो उड़ गया पूरा,
बिल्कुल। अरे भाई भाई बहुत टर्न हुई भाई, बहुत स्पिन हुई भाई, गया भाई इमरान नाचिर। भाई 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 बहुत देर से पखा रहा था यार सच्ची में भाई, बहुत देर से। कमरान अकमल ये तो जल्दी नहीं पड़ जाएगा, जितना मेरे को पता भाई ये जल्दी नहीं पड़ जाएगा ये बैट्समैन, बहुत जल्दी। टेंशन तो है मोहम्मद हफीज की, वैसे देखा जाए तो मोहम्मद हफीज कब आउट होता है भाई, क्योंकि मेरे को चाहिए मोहम्मद हफीज की भी विकेट। अब जल्दी से गया गया गया। अबे यार 76 बोलों में 170 रन भाई। कैच कैच कैच, ओ कैच नहीं थी लेकिन फील्डिंग अच्छी भाई। चौका रोक लिया भाई, युवराज सिंह होगा पक्का, पक्का युवराज सिंह होगा भाई ये, मेरे को पता है पक्का युवराज सिंह है। लग तो भाई युवराज ही रहा है शायद से, लेकिन भाई फील्डिंग बहुत अच्छी थी लड़के, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग थी यार, बहुत ही बढ़िया। मोहम्मद हफीज भाई गया 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 भाई मोहम्मद हफीज। और भाई साहब आरपी सिंह भाई विकेट बिखेर दी पूरी। अब यार मैच तो स्लो हो गया वैसे देखा जाए, क्योंकि 64 बोलों में 160 भाई बनने तो है नहीं। अब मुझे तो यही पक्का पता चलेगा, इतना तो बनेगा नहीं अभी, स्कोर निकल गई, ये बाउंड्री मिल जाएगी मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं। लेकिन स्कोर इतना ज़्यादा है ना अब यार, 63 बोलों में 156 रन यार, कैसे बनेगा? यहाँ पे चाहिए भाई हर ओवर में कम से कम तीन, या तीन से तीन छक्के और एक चौका तो चाहिए ही चाहिए हर ओवर में, तब जाके बनेगा भाई इतना टारगेट, वरना भाई नहीं बनने। उरा भाई बच गया भाई, कितना कितना बचा है, वरना भाई कभी जिंदगी में नहीं बनेगा इतना टारगेट। तो ये मैच तो, ये फाइनल जो है ना, एक बार फिर हम जीत चुके हैं मेरे भाइयों, एक बार फिर हम ये फाइनल जीत चुके हैं पाकिस्तान से। मजा आ गया भाई, मजा मजा मजा। पहले बैटिंग करने में मजा आया और अभी बॉलिंग करने में मजा आया। स्टार्टिंग में थोड़ी सी अच्छी शुरुआत हुई थी पाकिस्तान की, हमारी खराब हुई थी, क्योंकि वहां से भाई दे दनादन मार रहा था हफीज और नाजिर। उसके बाद तो भाई कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद तो, कुछ भी। पाजी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई देखा जाए तो, और सबसे बड़ी विकेट भाई पाजी लेके गए थे। और ये भी गया भाई, भाई गया गया भाई, बिल्कुल बीच का किला उखड़ा है भाई। भाई आज पाजी के सामने मत आओ, आज हरभजन पाजी के सामने मत आओ भाई, आ जाओगे तो भाई पवेलियन में जाओगे सीधा, सीधी बात। कमरान अकमल भाई ले ले, रिव्यू लेना है तो, वैसे लिया नहीं इसने। ओ भाई अंदर आई बोल, बिल्कुल बीच का जो किला है भाई वो उखड़ गया, और कमरान अकमल भी गया भाई 7 बोलों पे 6 रन बना के पवेलियन। शोएब मलिक भाई ये हमेशा इंडिया के खिलाफ चलता है यार, ये हमेशा भाई ये इंडिया के खिलाफ स्कोर करता है भाई हमेशा। अंदर आ रही है भाई पाजी की बॉल, बहुत ज्यादा स्पिन हो रही है, अंदर आ रही है खतरनाक, गया बहुत खतरनाक तरीके से अंदर आ रही है। स्पिनर्स को भाई यहाँ पे थोड़ी ज्यादा हेल्प मिल रही है, इसलिए मैंने भाई युवराज पाजी को लिया हूँ यहाँ पे। अरे भाई लो भाई लो, पहली बॉल पे छक्का युवराज पाजी की। कोई बात नहीं कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है होता है होता है। हमने 3 विकेट भी लिए रखी है ना, और स्कोर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है ना, कोई बात नहीं। अगर एक दो छक्के लग गए कोई घबराने की बात नहीं है भाई, बिल्कुल भी इजी, बस बस कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। अभी भी बहुत स्कोर चाहिए यार, मान के चलो यहाँ से 53 बोलों में 140 रन भाई, 52 बोलों में 140 रन यार, कहाँ बनेगा ये बता दो मुझे तुम लोग। बस तुम लोग मुझे ये बता दो मेरे भाई कि हाँ ऐसे बन जाएगा भाई, गुल्ली भाई गुल्ली भाई ऐसे बन जाएगा स्कोर, नहीं बनेगा भाई। अबे यार युवराज एम एस धोनी, धोनी पाजी बच गया यार, यासिर शाह, यासिर खान सॉरी, यासिर शाह कह रहा हूँ मैं। लेकिन अभी तक भाई छक्का लगने के बाद अच्छा ओवर रहा है, छक्का लगने के बाद सिर्फ 7 रन दे युवराज सिंह ने, लास्ट बोल है। और ये अरे यार पनौती हूं मैं पूरी भाई, पूरी तरीके से पनौती हूँ। मैंने बोला भाई छक्का लगने के बाद सिर्फ 7 ही रन दिए पहली बॉल पे, उसके बाद भाई लो यूनिस खान ने भी जड़ दिया भाई, एक हद है भाई, भाई मैं ही हूँ। चलो भाई जीत तो चुके हैं मैच हम, 34 में 119 कभी बनने से नहीं रहे, बाउंड्री मिल जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ यार भाई बाउंड्री चली गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं,
मैं यूसुफ पठान से करा रहा हूँ वैसे बोल, थोड़ी स्पिनर्स को थोड़ी ज़्यादा मदद मिल रही है, लेकिन भाई स्पिनर्स को थोड़ा अच्छे से टैकल भी कर पा रहे हैं यार ये लोग, सच्ची बताऊँ तो। अबे भाई गई भाई, ज़्यादा ऊपर फेंक दी यार, बैक टू बैक यार चौके छक्के 10 रन तो आ गए भाई। अरे क्या कर रहे हो यूसुफ पाजी, यूसुफ पठान भाई, बैटिंग अच्छी करी थी यूसुफ पठान ने तो, मुझे लगा शायद इसका दिन है आज, लेकिन भाई यहाँ तो भाई 11 रन चले गए भाई, ये भी निकल गई कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं यार, फिर भी कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 31 बोलों में 107 रन बनने से रहे, कभी भी नहीं बनेंगे भाई, कभी भी नहीं बनेंगे। आए बच गया बच गया बच गया, वो भाई कोशिश तो कर रहे हैं भाई पाकिस्तान के बैट्समैन भाई कि बस किसी तरह से क्लोज चले जाए, पहली पे चौका और ये भाई आखिरी बॉल पे भी चौका, शायद मेरे ख्याल से चला जाएगा, चला जाएगा। बहुत महंगा ओवर गया युवराज सिंह का यार, बहुत महंगा भाई, बहुत महंगा, क्या हो गया यार ये एकदम से भाई, क्या आ गया इनके अंदर यार। तेज बॉलर को लाओ यार, इरफान पठान को लगाओ, बढ़िया बॉलिंग कर रही, 2 ओवर में 14 रन दिए बस इरफान पठान ने, लग रहा है भाई विकेट आने वाली है, मुझे लग रहा है कि विकेट आने वाली है बस। अरे भाई विकेट छोड़ो, ये आ गया भाई चौका पहली बॉल पे इरफान पठान, अबे भाई रुक जाता है यार, भाई रुक जाता है यार, रुक जाता है यार, वो रुक जाता शॉट, ये देखो यार वो रुकता यार, पहली बॉल पे चौका आया तो भाई ओवर बड़ा जाएगा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, और मैं आगे रखूंगा बॉल आगे, इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि विकेट के चांस भी रहते हैं। अबे भाई लो भाई रोक लिया, शुक्र है रोक लिया, पिटाई तो अच्छी खासी चल रही है अपनी, वैसे देखा जाए तो स्कोर ज़्यादा नहीं होता ना, क्योंकि 70-70 होता भाई निपट जाते हम, 170 होता ना तो मैच खत्म था। वो शुक्र मना युवराज सिंह, उई युवराज सिंह और यूसुफ पठान कितना सा बचा है भाई ये। चलो भाई ये मैच तो जीतने से रही यहाँ पे पाकिस्तान, तो फाइनल तो हमारा है, लेकिन कोशिश भाई कर रहे हैं ये लोग, पूरी कोशिश कर रहे हैं, 18 बोलों में 84 रन चाहिए, अब 17 में 80 चाहिए, अगर भाई 5 5 6 6 लो भाई हाफ सेंचुरी हुई यूनिस खान के, 28 बोलों में 50 रन, 4 चौके और 2 छक्के, अच्छी बैटिंग करी, वेल प्लेड यूनिस खान, बढ़िया बढ़िया, लेकिन भाई हमारी बैटिंग और बैटिंग के सामने और बॉलिंग के सामने टिक नहीं पाया कोई अभी तक। आहा रुक गई रुक गई रुक गई, देखा जाए तो हमारी बॉलिंग ठीक ठाक हुई, लेकिन ये है कि अगर 170 75 होता ना तो मैच यार फंस गया होता भाई फिर, क्योंकि इन दोनों के पास देखो पाकिस्तान के पास सेट बैट्समैन है इस वक्त, और हम थोड़ी फील्डिंग को कर लेते हैं थोड़ी सी चेंज, क्योंकि मुझे लग रहा है भाई कि अब बचे कितने ओवर है, 2.5 ओवर बचे हैं यार, 16 में 77 यार, आ बस 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 विकेट मिल जाने का आदि तो थोड़ा बढ़िया हो जाएगा हिसाब। और भाई जो मेरे भाई फर्स्ट टाइम चैनल पे यार, चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करना भाई, हम डेली भाई ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं आप लोगों के लिए, क्रिकेट स्पोर्ट हर चीज़ से रिलेटेड भाई, और डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं हम, ठीक है तो डेली आया करो यार लाइव स्ट्रीम पे, डेली आया करो सुबह मतलब दोपहर में 2:30 बजे और शाम को 7:30 बजे, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाते कभी जल्दी भी आ जाते हैं, तो भाई इसलिए जब भी चैनल को सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, और ये विकेट मिल जाएगी शायद। हाँ नहीं भाई अब नहीं मिल रही विकेट यार, भाई इन दोनों बैट्समैनों की दांत कर देनी होगी भाई, क्योंकि बढ़िया बैटिंग करी है दोनों ने, 1 रन मिल जाएगा इनको यहाँ पे, वो दूसरा ले ले, गया 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 गया, रह गया भाई बहुत दूर रह गया यार यूनुस खान भाई, एक अच्छी बैटिंग मैं कहूंगा बहुत अच्छी बैटिंग करके भाई इस बंदे के लिए तालियां यार, भाई यूनुस खान के लिए तालियां भाई, क्योंकि यार देखो मानते हैं पाकिस्तान का प्लेयर है लेकिन अच्छी बैटिंग यार, 57 रन 32 बोलों में, मतलब इस बंदे ने उम्मीद जगा के रखी, लास्ट तक टिका रहा, मिसबाह उलह का आया वैसे, टिका रहा लास्ट तक, ये कमाल की बैटिंग करी भाई, शोएब मलिक भी अच्छी बैटिंग कर रहा है, दोनों की भी अच्छी बैटिंग पार्टनरशिप हुई अच्छी, और भाई लो मिसबाह उलह भाई पहली बॉल पे चौका, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैच हम वैसे भी जीत चुके हैं कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन ऐसे मत करो कि भाई चौके छक्के खाने लग जाओगे तुम लोग लास्ट के ओवर्स में यार, ये चीज मत करो कि लास्ट के ओवर में भाई तुम लोग बाउंड्री खाने लग जाओगे, तो विकेट दिला दो पाजी अब मिसबाह उलह की प्लीज।
ओ भाई फिर वही मार रहा था, बड़ी तेज बैट को मारा मिसबाह उलग भाई। लास्ट ओवर है, 2 बॉल बची और ट्रॉफी हमारे हाथ में आने वाली है बस। और ये एज, और ये भाई गया गया भाई गया गया गया, उड़ता हुआ धोनी, उड़ता हुआ धोनी। और ये कहते हैं ना ताबूत में आखिरी कील, भाई इसको बोलते हैं ताबूत में आखिरी कील, इसको बोलते हैं। ले लो अबे कौन सा रिव्यू भाई, एज लगा क्लियर। लो भाई, ओ भाई उड़ता हुआ धोनी, भाई उड़ता हुआ धोनी। मिस क्या नाम है, शोएब मलिक भाई, शोएब पाजी भी गए 39 रन बना के। शाहिद, अबे भाई इनके पास शाहिद आफरीदी है, फिर इनको क्या जरूरत है भाई, इसको क्यों नहीं भेजा ओपनिंग, ओपनिंग में भेज देते, इतना स्कोर था तो भाई जीत गए हम। अब मारो भाई जितना मर्जी मारना है। छक्का दर दिया वैसे, छक्का दर दिया वैसे, लेकिन हम भाई मैच जीत गए भाई, हम फाइनल जीत चुके हैं। वहां पे भी हम जीते थे, यहां पे भी हम जीते हैं भाई। और ऐसा कुछ भी नहीं था भाई, 230 रन बनाए थे भाई हमने, एक एक्सट्रीम डिफिकल्टी में हम खेल रहे थे। और भाई ये जो ट्रॉफी है, अब जल्दी से ये जीत गए भाई हम। ओ भाई ये फीलिंग यार, उस टाइम तो मैं बहुत छोटा था यार, और लेकिन अभी मजा आया भाई। ओए होए होए। और जिन भाइयों ने फर्स्ट इनिंग नहीं देखी है भाई, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, फर्स्ट इनिंग जरूर देखना। इंडिया ने भाई धागे खोल दिए थे, देखो 59 रन युवराज सिंह, 21 बोलों में 48 रन, 23 में यूसुफ पठान, रोहित शर्मा 31, 13 बोलों में सुशांत, 20 रन 10 बोलों में भाई धागे खोल दिए थे। और इस तरफ से यूनिस खान 57, शोएब मलिक 39 भाई, 32 मोहम्मद हफीज भाई, मजा आ गया। और भाई जो मेरे भाई फर्स्ट टाइम चैनल पे, चलो सब्सक्राइब कर दो। और आज के लिए मेरे भाइयों इतना ही, ट्रॉफी हमारी है फाइनली, बॉलिंग भी अच्छी रही हमारी, सुशांत सबने, इरफान पठान स्पेशली, हरभजन सिंह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई, आज तो कमाल कर दिया। इंडिया 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 भाई जीत गए भाई, भाई ये फीलिंग फाइनल जीतने की यार क्या होती है भाई, बहुत गजब की होती है भाई, बहुत गजब की। तो भाई मैच कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और जो मेरे भाई फर्स्ट टाइम चैनल पे आया भाई, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना मेरे भाई, और बेल आइकन को जरूर दबा देना भाइयों, उस घंटे में जरूर दबाना भाई, और लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, शेयर करा करो अपनी फैमिली मेंबर, अपने भाइयों के साथ यार शेयर किया करो यार, अच्छा लगेगा। फिर कमेंट्स भी किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज मिलेंगे, आज नहीं कल हम मिलेंगे 2:30 बजे, 2:30 बजे हम मिलेंगे, यानी कल वही PSL वर्सेज IPL हम देखते हैं, करते हैं, और एशिया कप अपना चल रहा है, ठीक है। तो रेडी रहना 2:30 बजे और 7:30 बजे शाम को। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए मेरे भाइयों, और भाई जिन बंदों ने फर्स्ट इनिंग नहीं देखी है ना भाई, फर्स्ट इनिंग की वीडियो नहीं देखी है भाई, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक भाई, ठीक है, देख लेना याद से। तो अभी के लिए इतना ही भाई मेरे, बाय बाय, सायोनारा।